हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोटोशॉप की। इमेज एडिटिंग का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे सॉफ्टवेयर की दुनिया का जादूगर माना जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर की हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप को। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है फोटोशॉप, ठीक है। फोटोशॉप आपके सिस्टम में होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर फोटोशॉप 7 को ले रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं और इसे यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है और आसानी से ये मिल भी। इसे क्लिक कर देते हैं, ये ओपन भी हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। लेयर का मतलब सेपरेट फिल्म के पार्ट समझिए। लेयर्स का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक फिल्म के बहुत सारे हिस्से होते हैं और उन हिस्सों में से एक हिस्सा एक लेयर कहलाता है। ये लेयर बनाने के काफी सारे फायदे हैं। चलिए सबसे पहले नई फाइल के लिए हम कंट्रोल एन प्रेस कर देते हैं। फाइल पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल एन भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे या न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं अपने ही नाम से रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप साइज डिसाइड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप की साइजेस हैं। तो आपको जो भी साइज लेनी हो यहाँ से लिया जा सकता है। फिलहाल मैं एकदम एचडी क्वालिटी की साइज लेने वाला हूँ तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। ये लिखा हुआ है मोड और यहाँ रिजोल्यूशन दिया गया है। हाइट और विड्थ तो ऑटोमेटिक आ जाती है जब आप ये प्रीसेट साइज ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मोड और यहाँ पर है आरजीबी कलर। कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है जब यहाँ पर आप गलती से ग्रे स्केल कर देते हैं। यहाँ पे ग्रे स्केल कर देते हैं कलर। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कलर है, यहाँ पर एक फॉरग्राउंड कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर। तो अभी ये मान लीजिए यहाँ से ओके कर दिया मैंने। यहाँ पर आपके पास कौन सा कलर दिख रहा है? व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये जो है ना, यहाँ पर देखिए ये पेंट बकेट टूल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा ग्रे हो जाता है। अब देखिए एक लेयर ये बन गई है, ये पहली लेयर है हमारी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये लेयर पर हम काम करते रहे और एक दूसरी लेयर बना ले तो आपको शॉर्टकट, तो आपको यहाँ पर जो है ये ग्रे पूरा दिखाई देगा, ठीक है। अभी हमें नया लेयर बनाना है तो आप चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की प्रेस करके न्यू लेयर पे आ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी लेयर नंबर 0 बैकग्राउंड वाली और ये हो गई लेयर नंबर 1। तो लेयर आ चुकी है, एक नई लेयर हमने बना ली है। अगर इस लेयर पर काम करते वक्त कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे, बाकी हमारा बैकग्राउंड बचा रहेगा। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहाँ होती है? यहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसका कलर कर देते हैं, मान लीजिए ब्लू, और फिर इस पर क्लिक करते हैं। लेकिन ये ब्लू कलर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। कन्वर्ट भी कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ देखिए ये फॉरग्राउंड दिया हुआ है और ये पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके भी बारे में बात करते हैं। फिलहाल पहले हम इसके बारे में बात कर लें कि ये ग्रे क्यों आ रहा है। जब हमने फाइल को चूज किया था उस समय हमने ग्रे स्केल कर दिया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, नई फाइल लेंगे। यहाँ पे आए, वापस से कंट्रोल एंड भी प्रेस कर सकते हैं आप। कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो भी नई फाइल ओपन हो जाती है। यहाँ से इस फाइल को कोई भी नाम दे देंगे, बाकी साइज को यही रखेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारी साइज है, आप चाहे तो साइज को चेंज भी कर सकते हैं। ये जो ग्रे स्केल है इसे हम रखना है आरजीबी कलर, ठीक है। और यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर है, ये व्हाइट है। अगर आप व्हाइट रखना चाहते हैं तो व्हाइट पे टिक कर सकते हैं रेडियो बटन। बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल बैकग्राउंड कलर देने का इरादा है, क्लिक कर दिया। अभी ये देख सकते हैं ये पुराना वाला हमारा है और ये नया वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये बकेट हमें लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किया हमने तो यहाँ पर कलर कौन सा चूज है, बैकग्राउंड का कलर जो है ब्लू है, तो यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है क्योंकि हमने इस फाइल को लेते समय आरजीबी चूज किया था। आपको याद है आरजीबी कहाँ से चूज किया, मैंने फाइल पे गए थे या न्यू फाइल पे आए थे और यहाँ पर आरजीबी कर दिया था। जब हमने यहाँ पर ग्रे स्केल किया था तो ये कलर ग्रे हो जाता था, फिर हमें कोई भी अदर कलर नहीं दिखाई पड़ता था सिवाय ग्रे के, ठीक है। यहाँ पर और भी दिया हुआ है CMYK कलर, तो CMYK कलर अगर आप चूज करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे तब भी हम कलर चेंज कर पाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा हल्का कलर आता है CMYK में और यहाँ पर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर चेंज तो हो जाएगा लेकिन कलर ये थोड़ा सा हल्का पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कलर जो है इसके मुताबिक, यहाँ पर जो चूज किया उसके मुताबिक थोड़ा सा हल्का ये पड़ता है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका CMYK कलर। इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम उनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रे स्केल तो हम देख ही चुके हैं, यहाँ पे लैब कलर दिया हुआ है, तो लैब कलर पे आते हैं और लैब कलर पे जाकर के ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कलर चूज करेंगे वही कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैब कलर, ठीक है। ये आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं लैब कलर, यहाँ पर जाएंगे तो यहां से जाकर के खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं लैब कलर। ये देखिए यहाँ पर ये कलर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया आपका लैब कलर। इन सारे के बाद अब थोड़ा सा लेयर पे आ जाते हैं, ठीक है। इन सबको क्लोज कर लेते हैं, हम लोग ग्रे वाले पे थे वहीं पे चलते हैं, हम लोग ग्रे वाले पे ही रहते हैं। ये देखिए इन सबको क्लोज कर दिया मैंने, अब हम लोग आते हैं ग्रे वाले पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ लिखना है, सपोज कीजिए कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है, तो हम टाइप टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है ये टूल, तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे ही आपको नजर आएंगे, तो फिलहाल हमें हॉरिजॉन्टल ही रखना है और यहाँ पर क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है ये भी ग्रे शो कर रहा है, इसको हमें कम से कम ग्रे नहीं रखना, तो हम इसको व्हाइट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये व्हाइट हुआ, अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम टाइप करता हूं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, एक्सेल सॉल्यूशन। तो ये देखिए ये पूरा बाहर जा रहा है, ठीक है। अब ये बाहर ना जाए इसके लिए आप यहां पे रखिए, ध्यान रखिएगा कि टाइप टूल सेलेक्टेड रहे। यहां से इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके यहां से कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन प्रेस कर दीजिएगा तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। इधर वाला सेलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए ये बड़ा ही रह गया, तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इसको हमने छोटा कर लिया, तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर में आ रहा है। अगर कलर बदलने का इरादा हो तो यहाँ से जाकर के जो भी कलर लगाएंगे वो कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए ये ब्लू कलर हमने लगाया, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई हुआ नहीं क्योंकि हमने ग्रे स्केल ले रखा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे फिर मैं ब्लू कलर करता हूँ, देखते हैं ये एक बार अप्लाई होता है या नहीं। तो देखिए अभी भी अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ से चेंज करते हैं तो यहाँ से भी ये अप्लाई नहीं होगा। ग्रे स्केल का यही दिक्कत है, कभी कभी स्टूडेंट जो बिगिनर है वो काम करते वक्त ग्रे स्केल ले लेते हैं और ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आपको ग्रे स्केल नहीं लेना है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ लिख दिया जो कि व्हाइट कलर में लिखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर व्हाइट कलर मैंने चूज किया, व्हाइट कलर काम करेगा इसलिए, तो ये व्हाइट कलर लिया। अब मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने अपना नाम लिखा और इसको बड़ा छोटा करना है, बड़ा छोटा तो आप कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही चीज आपको लाइन वाइज यानी कि वर्टिकल वे में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर टाइप टूल पे जाएंगे और ये जो है वर्टिकली कर देंगे, वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल करने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये अब अगर लिखते हैं तो ये आया देख रहे हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आया। तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा अगर आप वर्टिकली इसको लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्टिकल करने का तरीका है, समझ में आ रही है कि नहीं बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए इतना करने पर हमने कितने लेयर्स बनाए हैं, लेयर्स वाली विंडो दिख रही है, देखिए लेयर्स वाली विंडो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये जो है लेयर्स वाली विंडो नहीं है, यहाँ पर क्लिक करते हैं देखें इसमें आ रहा है नहीं, लेयर्स वाली विंडो ना दिखे तो यहाँ विंडो पे जाकर के यहाँ देखिए इसमें लेयर्स दिया होगा, लेयर्स पे क्लिक कर दीजिए तो लेयर वाली विंडो नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। ये बैकग्राउंड वाली लेयर जो है लॉक है, तो ये लॉक को अनलॉक कर देते हैं, ये हमने अनलॉक कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक लेयर पे सूरज लिखा हुआ है, एक लेयर पे ये वर्टिकली लिखा हुआ है, एक लेयर पे हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। क्या होगा अगर हम एक लेयर को डिलीट कर दें, जैसे मान लीजिए ये सूरज जो लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देते, तो डिलीट यहाँ से नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में आकर के राइट क्लिक कीजिएगा तब डिलीट ऑप्शन आएगा, तो इस पे जाकर के आप इसको डिलीट कर दीजिए। ये देखिए केवल यही डिलीट हुआ, बाकी की चीजें आपकी बची रहेंगी, बात समझ में आ रही है कि नहीं। लेयर बनाने का महत्व यही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम ये चाहते हैं कि ओपेसिटी जो है बढ़ाना चाहते हैं। अब ये ओपेसिटी क्या होती है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक मैं लाइक इसको पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस ये सेव किया हमने, एंटर किया, तो
तो ये हमने सेव तो कर लिया है, यहाँ पे जाएंगे फाइल पे और यहाँ से न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं। अब यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं कुछ, लाइक यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। तो ये देखिए ये कलर अप्लाई हो गया, RGB था, RGB की वजह से ये कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये कलर तो अप्लाई हो गया, लेकिन एक चीज इसमें हमें करना है, वो ये करना है कि यहाँ पर हमें कुछ हिस्से को, लाइक साइड से कुछ हिस्से को ऑक्यूपाई करना है, भर देना है किसी दूसरे कलर से। ये कैसे पॉसिबल होगा? तो यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पे रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है, रेक्टेंगल मार्किंग टूल दिया हुआ है, इक्लिप्टिकल मार्किंग टूल दिया हुआ है, इलिप्टिकल मार्किंग टूल, सिंगल रो मार्किंग टूल है, सिंगल कॉलम मार्किंग टूल है, इनका यूज आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने इलिप्टिकल मार्किंग टूल, ये ले लिया और ये साइड से इसको ड्रैग करवा लिया, इतना ड्रैग करवा लिया, ठीक है, और यहाँ पर इसको सेट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है आपको? अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से ये मूव टूल पे क्लिक कर देना है, ये मूव टूल पे क्लिक किया। अब मूव टूल पे क्लिक करने का मतलब यह है कि यहाँ से हट जाएगा, देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई दूसरा कोई कलर फिल हो जाए तो आप क्या करेंगे, इतने हिस्से को दूसरे कलर से भरेंगे। कैसे भरेंगे, तरीका क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर को चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से रेड कलर पे क्लिक करके ओके करके और यहाँ से इसको फिल कर दीजिए। तो ये देखिए ये रेड कलर में फिल हो गया। इसी तरीके से साइड में इसको फिर पकड़िए और फिर साइड में यहाँ से ये देखिए एक मिनट, यहाँ से इस पर क्लिक किया और फिर यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको लगा दिया, ठीक है। अब लगाने के बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर लगा लीजिए यहाँ पे और ओके कर लीजिए और फिर इस पर अप्लाई कर दीजिए। अब देखेंगे कि ये जो हिस्सा है जो ऑक्यूपाई हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस पे भी आप कलर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जो बकेट बना हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे तो ये भी ऑक्यूपाई हो जाएगा। देख सकते हैं कि नहीं, ये भर गया ना। तो इसीलिए इसको इलिप्टिकल मार्किंग टूल के नाम से जाना जाता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट तो नहीं है, लॉन्ग है, हो गया है, ये जो वीडियो रही वो काफी लॉन्ग हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी। और इस तरह के छोटे मोटे जो भी आपको करने हैं काम, वो आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपको फोटो इंसर्ट कराना हो किसी का, जैसे मान लीजिए मैं अपना फोटो लेता हूँ, तो यहाँ पर ये फोटो भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फोटो लेना है, तो ये फोटो हमने लिया, इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से ही चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे लेके आ गए हम। अब आप देख सकते हैं ये फोटो जो है पूरी तरह से चेंज है इसका बैकग्राउंड। तो आप इसको लगाइए, बैकग्राउंड में कोई और कलर था लेकिन अभी हमने इसको चेंज कर दिया तो अभी कोई और कलर आ गया है, ठीक है, देख सकते हैं ना। तो ये जो है आप इसको लगाइए और आसानी के साथ इस पर काम भी कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो आप लेयर बना लीजिए, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करिएगा, देखो नई लेयर बन जाएगी। लिखने के लिए नई लेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इमेज एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, ये देखिए इमेज एडिटिंग लिख दिया हमने और यहां से इसको पकड़ करके पूरा सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, कंट्रोल से लेस देन से छोटा हो जाएगा ये। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये हो गया इमेज एडिटिंग हो गया ना, ये देख सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, इसको हम कट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इसको हम एक बॉक्स में लिखेंगे, तो यहां से पकड़िए और ये रेक्टेंगल मार्किंग टूल का यूज कीजिए और इतना बड़ा बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बन गया। अब आपको क्या करना है, जो भी कलर इस पे अप्लाई करना है कर दीजिए। ये मैं येलो कलर अप्लाई कर देता हूँ, ये कर दिया ना। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि लिखे हम जो वो आए ब्लू कलर में, तो आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ से ब्लू कलर अप्लाई कर देना है। तो जो भी ब्लू कलर आप चाहते हैं वो कलर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से चूज कर लीजिए ब्लू ग्रीन जो भी चाहते हो, जैसा भी कलर चाहते हो तो अप्लाई करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मान लीजिए कलर हमने लगा दिया और बाकी की चीजें यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कलर सेम हो गया, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके तब इस कलर को चूज कीजिएगा, बस काम हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इमेज एडिटिंग जो है, ये जो कलर है वो इसमें आ गया है, ठीक है। अब फोटो पे जाना है आपको, तो वापिस से वो लेयर चूज करनी होगी। देखिए फोटो वाली लेयर हमारी ये है, तो डबल क्लिक करिएगा तो आप आ जाएंगे फोटो वाली लेयर पर। अब फोटो को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस किया हमने, फोटो को सेलेक्ट कर लिया। अब ये कंट्रोल टी अगर नहीं प्रेस करना चाहते, आप मेन्यू से जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एडिट मेन्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर आइएगा, तो ये प्री ट्रांसफॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है, देख सकते हैं।
तो प्री ट्रांसफॉर्म पे जा सकते हैं, प्री ट्रांसफॉर्म पे जाइएगा तो ये वही चीज सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट की से करना चाहते हैं शॉर्टकट की से करिए, अब इसको बड़ा बना लीजिए, खूब बड़ा बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा बना लीजिए। ठीक है, तो मुझे इतना ही रखना है फिलहाल। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने रख लिया, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ रही हो। ठीक है, अगर इसको कट करना है तो कट करने के लिए यहाँ पर आपको दो तीन टूल मिल जाते हैं, और दो तीन क्या कई सारे टूल मिल जाते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड को कट करना है तो ये है आपका मैजिक वांड टूल। फायदा क्या है, सेम कलर पीछे लगा हुआ है तो ये डायरेक्टली कैप्चर कर लेता है। जैसे मान लीजिए इसका पूरा बैकग्राउंड बदलना, ये येलो कलर है ना, इसको पूरा सेलेक्ट कर, अच्छा चूज करना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड वाली लेयर, तो ये बैकग्राउंड वाली लेयर पे आ गए, क्लिक किया, और अब हमें कहाँ जाना है, मैजिक वांड टूल पे जाना है, और ये जो है इसको सिलेक्शन में लेना है, और सिलेक्शन में लेने के बाद डिलीट बटन प्रेस करना है। जैसे ही डिलीट प्रेस किया तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो गया, देख सकते हैं बैकग्राउंड हमने डिलीट कर दिया, यानी कि ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ट्रांसपेरेंट आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर इसको भी ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया, ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया, यहां से इसको सेलेक्ट कीजिए तो ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये भी हट गया। अब इसको सेलेक्ट करना है, इसको, ये जो इमेज एडिटिंग लिखा हुआ है ना इसको, तो यहाँ इमेज एडिटिंग पे जाइए। अच्छा, ये इमेज एडिटिंग सेलेक्ट हो रहा है, हमको बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखना है, तो बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाकर के और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको भी बना दीजिए ट्रांसपेरेंट। तो देखा आपने किस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट बन गया। तो ये है फोटोशॉप। ठीक है, इसमें आगे भी और वीडियोज आती रहेंगी, सुझाव दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग वीडियोज बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।